और टमाटर का रेट है 50 रुपए किलो। ये इसके साथ मिर्च है, मिर्च का सर क्या रेट है? मिर्च का 100 रुपए किलो ये मिर्च है। और खीरे, ये देखे खीरे यहाँ पर ये 60 रुपए किलो है। अदरक का क्या रेट है? 700 रुपए किलो। अच्छा, और ये मटर है यहाँ पर, मटर 200 रुपए किलो है। जी भाजन, लुकाड़ का क्या रेट है? 200 रुपए किलो। और ये खरबूजा? खरबूजा नहीं, गर्म है, ये गर्म है, 100 रुपए। सेब? सेब 300 दे रहे, 250 है। चले जी, ये कह रहे 300 रुपए रेट है हमारे लिए, ये खसूसी प्यार करते हैं, 250 रुपए लगाए गए। और ये आड़ू, आड़ू 300, और केला, केला भी 300। चलो 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 जी, शाबाश। चलो इधर देखो, चले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सब्जी लेने और फ्रूट लेने, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आपको हम दिखाएंगे कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त सब्जी और फ्रूट के क्या रेट चल रहे हैं और यहां पर किस तरह की शॉप्स हैं। तो मैं अपनी पोती के साथ, ये देखें शरारतें कर रही है, तो उसके साथ आपको सैर करवाऊँगा अभी फैसलाबाद की कुछ जगहों की, और हम वहां पर सब्जी और फ्रूट के रेट भी जानेंगे। तो चलते हैं हमारे साथ। स्ट्रॉबेरी है यहाँ पर 80 रुपए किलो, ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम, ये रेट है जी खरबूजे का? खरबूजे 80 रुपए किलो है जी ये खरबूजा। ये तो फ्रेंड इस वक्त हम पहुंच गए सब्जी की दुकान पे, और आप रैक पे देख सकते हैं कि बड़ी फ्रेश और ताज़ा सब्जियां हैं, और रेट भी आपको बताते हैं इनसे पूछ के क्या रेट है। तो
अपने पोती के साथ खरीदारी करने के लिए हम मार्केट में आ चुके हैं। जी तो दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि सब्जियाँ किस हालत में हैं और उनके रेट क्या हैं। ये देखिए, टमाटर बड़े ही शानदार और खूबसूरत टमाटर हैं और टमाटर का रेट है 50 रुपए किलो। ये इसके साथ मिर्च है, मिर्च का सर क्या रेट है? मिर्च का 100 रुपए किलो ये मिर्च है। और खीरे, ये देखिए खीरे यहाँ पर ये 60 रुपए किलो है। अदरक का क्या रेट है? 700 रुपए किलो। अच्छा, और ये मटर है, यहाँ पर मटर 200 रुपए किलो है। इसके साथ में ये देसी प्याज है, देसी प्याज 80 रुपए किलो है। आलू का क्या रेट है भाई? 80 रुपए किलो आलू है। और साथ में ये लहसुन बड़ा, देसी लहसुन का क्या रेट है? ये 250 रुपए किलो है। और इसके साथ में कुछ और सब्जियां भी हैं। ये भिंडी पड़ी, भिंडी का क्या रेट भाई? 150 रुपए किलो। और करेले, ये 80 रुपए भी है और 60 रुपए भी है। अदरक, हाँ अदरक का बता दिया। बैंगन का क्या रेट है? ये 60 रुपए भी और 50 रुपए भी। और ये गाजर, गाजर 100 और 150। ये लौकी कद्दू, ये भी 100 रुपए किलो, 60 से 100। और इसके साथ साथ ऊपर ये बंद गोभी का क्या रेट है? ये 40 रुपए किलो है। तो और ये गोभी, गोभी 80 रुपए किलो है। अच्छा जी, और कोई चीज़ तो नहीं रह गई? शिमला मिर्च का क्या रेट है? ये भी 60 रुपए किलो। तो ये इस वक्त आपने देखा, ये सब्जियों के रेट हैं इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, और पहले से काफ़ी रेट कम हुए हैं। जो पहले रेट ज़्यादा थे उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और मौसमी असल में सब्जी शुरू हो चुकी है। तो आपने ये सब्जियों के रेट जाने। ये देखें, यहाँ पर जैनब भी मौजूद है, जैनब टमाटर खा रही है, और हम आपको अब सब्जी लेंगे यहाँ पर, और सब्जी लेके आगे फिर आपको फ्रूट के की दुकानों पर ले चलेंगे, और फ्रूट के रेट भी कुछ आपको बताए हैं और बाकी भी रेट आपको हम आगे जाकर बताएंगे। जैनब भी यहाँ पर बैठी है, देख रही है कि मुर्गी को। तो दोस्तों, हमने मुर्गी ले ली है, सब्जी के रेट पूछे हैं। सब्जी एक्चुअली हमने एक चिकन बनाना है आज, और कुछ सब्जी मैंने कल खरीद ली थी, और बाकी एक और सब्जी की दुकान है वो उनके से, वहाँ से हमने रेट कंफर्म कर लें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको फैसलाबाद का ये एरिया कैसा लगा, और आपके इलाके से ये मैच करता है या कुछ फर्क है यहाँ पे और इंडिया के जो इलाके हैं वहाँ पर। किन किन चीज़ों में पाकिस्तान और इंडिया आपस में मैच करता है ये हमें ज़रूर बताइएगा। और जो सब्जी के रेट आपको बताए हैं या चिकन का रेट जो इस वक्त है यहाँ पर 550 रुपये, तो इंडिया के अंदर चिकन का क्या रेट है ये हमें बताइएगा। और फ्रूट के रेट भी कुछ हमें आपको आपने बताए, और अभी कुछ रेट आपको बताएंगे। ये तो दोस्तों, दिल कर रहा था दही बल्ले खाने को, तो हम यहाँ पर एक दही बल्ले की दुकान है, बहुत ही इनके अच्छे होते हैं दही बल्ले, मैं अक्सर इन्हीं से खाता हूँ, तो आपको दिखाते भी इनके, दिखाएं जी ज़रा। ये जी पकौड़िए हैं, ये बल्ले हैं, ये आलू है। यार मक्खियाँ क्यों बैठ रही हैं?
और ये दही है, बहुत मज़ेदार बनाते हैं जी। ये हमारे दोस्त हैं। कितने की प्लेट है जी? 150 की। अच्छा, ऐसे करें कि 3 प्लेटें बना दें, जैसी कल बना के दी थी वैसी। कल तो ज़्यादा बना दिए थे, आज काम करके ना। हाँ जी, कल ज़्यादा थे। कल ज़्यादा थी, उतनी चाहिए मुझे। चलो 500 की। ये आपकी वीडियो जो है ना, आपको इंडिया में देखा जाना है सबने। वाकई? हाँ जी, हमारे ज़्यादा देखने वाले इंडिया के हैं, और ख़ास तौर पर पंजाबी भाई हमारे ज़्यादा देखने वाले। वैसे तो पूरा इंडिया देखता है हमें। हमारा एक्चुअली आपको पता है कि फूड एक जैसा है ना, हमारे जैसे ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिलती हैं। ये बनाने का तरीका भी देख लें जी, कैसे बना रहे हैं। दही यार ज़्यादा डालना, कल कम था दही। ये देखें जी, इन्होंने बाद में ये ऊपर धनिया और ये टमाटर वगैरह काट के बड़ा खूबसूरत सी शक्ल बना दी है इसकी। सफाई का इंतजाम यार थोड़ा बेहतर करें, मक्खियां वगैरह ना हो यहाँ पर। ये तो दोस्तों जैनब कह रही है कि मैंने ये दूध वाली बोतल पीनी है, दिखाएं जी जरा, बोल के एक बोतल दें जी हमें। कितने की बोतल? 60 रुपए की। लो भी जैनब पियो, ये पी लो ना आप, ये पी लो। ये आइसक्रीम नहीं है, आप पी के देखो, मजेदार है। अभी ये कह रही है कि जी मैंने बोतल नहीं पीनी, ये दूध वाली मैंने आइसक्रीम खानी है। चले जी, ये मैं पीता हूँ फिर जी। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे ये दोस्त हैं जियाउर रहमान भाई, सब्जी की दुकान है इनकी, और हमें ये खसूसी रेट पे सब्जी देते हैं हमेशा। तो हम इनसे आपको रेट भी बताते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी खरीदते हैं। तो जिया भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है? अच्छा जिया भाई, क्या रेट क्या है सब्जी के बताएं जरा। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 40 रुपए। भिंडी 140 रुपए। और बैंगन? बैंगन 50 रुपए किलो। कद्दू? शिमला मिर्च 50 रुपए। और ये करेले? 70 रुपए। ये टिंडे? 150 रुपए। और गोभी? 80 रुपए। पालक 40 रुपए। और लौकी नहीं है? अच्छा, और क्या रह गया? और घिया तोरी? घिया तोरी क्या रेट है? 120 रुपए किलो। खीरे? 40 रुपए। और यहाँ पर ये जो प्याज? 60 रुपए। आलू? 80 रुपए। तो दोस्तों ये रेट हैं सारे सब्जियों के रेट आपने जाने, तो हमें फिर आप ज़रूर बताइएगा कि इंडिया के अंदर इस वक्त सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं। आया पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के रेट आप समझते हैं ज़्यादा हैं, कम हैं? और अपनी तरफ से कुछ खास सब्जी मैंने देखी कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी सब्जी है, ये हमारी तो टिपिकल कुछ सब्जियाँ यहाँ पर चलती है, लेकिन इंडिया के अंदर इसके अलावा भी कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो यहाँ हमें नज़र नहीं आती, तो वो भी हमें दिखाइएगा कि इन सब्जियों के अलावा कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर अपने लिए कुछ ये धनिया टमाटर वगैरह लेंगे, और उसके बाद में फिर घर की तरफ रवाना होंगे। रस्ते में फिर रुक कर आपको फ्रूट वाली रेडी से रेट कंफर्म करेंगे जी। दोस्तों हम यहाँ पर ये धनिया टमाटर ले रहे हैं, आज जो है चिकन बनानी है, तो उसके लिए धनिया टमाटर हमने ले लिए जिया भाई से, और हम यहाँ से चलेंगे आगे फ्रूट की रेडी की जानब। जैनब भी इस वक्त मुझे तंग कर रही है, जैनब बोल रही है कि मैंने आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम खानी जैनब आपने? जैनब आइसक्रीम खानी है, और क्या खाना है? आइसक्रीम खानी है। अच्छा,
चले जी डिजाइनर को हम रस्ते में रुककर आइसक्रीम भी लेकर देंगे और चलते हैं वापस घर की जानब। रस्ते में हम आइसक्रीम लेंगे और फ्रूट भी लेंगे। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट की जो है वो शॉप के ऊपर, छोटी सी शॉप है, तो हम यहाँ पर इनसे रेट भी पूछेंगे और कुछ चीज़ें भी खरीदेंगे। जी भाईजान लुकाड़ का क्या रेट है? 200 रुपये किलो। और ये खरबूजा? खरबूजा नहीं, गर्म है। ये गर्म है 100 रुपये। सेब? सेब 300 दे रहे, 250 है। चलें जी, ये कह रहे 300 रुपये रेट है हमारे लिए, ये खसूसी प्यार करते हैं, 250 रुपये लगाएंगे। और ये आड़ू? आड़ू 300। और केला? केला भी 300। चले जी, रेट तो इन्होंने हमें बहुत मार्केट के लिहाज से कम बताए हैं और हम इनसे अभी कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ये भाई हमसे पूछ रहे थे कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और ये रेट वगैरह क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला हमारे जो देखने वाले ज़्यादातर हमारे इंडियन भाई हैं और उन्हें बहुत होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या रेट चल रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि इस तरह कोई वीडियो बना के हम दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन सब्ज़ियों और फ्रूट के क्या रेट हैं। तो ये हमारे लिए उन्होंने सेब ये निकाले हैं। आड़ू भी कर दें, आड़ू 1 किलो कर दो, नरम भी ना हो और सख्त भी ना हो, दरमियाने से हो। आड़ू शक्ल से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब घर जाके खाने में पता नहीं किस तरह के होते हैं। ठीक हो गए? गर्मे का क्या रेट बताया था? 100 रुपये। तो गर्मे का रेट आप ज्यादा क्यों बता रहे हैं? गर्मा तो बाहर वो 50 रुपये भी बेच रहे हैं। वो चाइना का सरसा था, खरबूजा गर्मा नहीं है। अच्छा, वो खरबूजा फुल पीला था। चले ये 2 पीस, हाँ ये तोल दे। केला भी कर दे, केला सख्त तो नहीं ज्यादा? नहीं, तैयार है। तैयार है, रंग हरा है। एक दर्जन कर दे। केला महंगा ही इतना यार, 300 रुपये आप किलो दर्जन बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बस ठीक है जी। ये जी हमने अपने फ्रूट की ख़रीदारी कर ली है तो हम आगे चलते हैं। अभी जैनब को हमने आइसक्रीम लेके देनी, वो वादा भी पूरा करना है, तो चलते हैं आगे। ये दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी वाले भाई आ गए थे, तो बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी है, 100 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। तो हमने यहाँ से इनके पास से 2 किलो स्ट्रॉबेरी, ये जैनब कह रही थी मैंने खानी है, तो जैनब के लिए ये हमने 2 किलो स्ट्रॉबेरी खरीदी है, बिल्कुल ही फ्रेश, ये बाग से अभी मेरे ख्याल लेके आए हैं। जी तो फ्रेंड, ये हम पहुंच चुके हैं घर, ये सब्ज़ी लेके और फ्रूट लेके और चिकन लिया है हमने, तो थोड़ी देर में वीडियो भी अपलोड करनी है ताकि आप देखें कि फैसलाबाद के अंदर सब्ज़ी फलों और चिकन का क्या रेट चल रहा है।